आज हम पढ़ेंगे ज़ेनर डायोड के बारे में। ज़ेनर डायोड एक स्पेशली डिज़ाइन हाईली डोप पीएन जंक्शन डायोड है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि करंट फ्लो करने की अनुमति देता है जब यह फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर हो। तो फॉरवर्ड करंट और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, दोनों ही डायरेक्शन के अंदर से इसके अंदर से करंट फ्लो करती है। इसका एक वेल डिफाइंड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज को ज़ेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। यह वह वोल्टेज होता है जिसके ऊपर डायोड है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, अर्थात उसके अंदर से करंट है वो फ्लो करने स्टार्ट कर देती है। जब इस वोल्टेज से ऊपर के वोल्टेज के ऊपर जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है रिवर्स बायस के अंदर, तब यह नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह डैमेज नहीं होता है। एक वाइड वोल्टेज रेंज के ऊपर इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। और ये नॉर्मली रिवर्स बायस वोल्टेज इसके ऊपर लगाया जाता है और रिवर्स बायस के अंदर इसको वर्क करवाते हैं। ज़ेनर डायोड का सिंबल है वो इस प्रकार से रहता है। ये डायोड की भांति ही प्रतीत होता है, परंतु इसके जो कैथोड वाला सिरा है इसके अंदर इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ होता है। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड। मार्केट में जो पीएन जंक्शन ज़ेनर डायोड मिल रहा है वो इस प्रकार से प्रतीत होता है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप बता रखी है वो हिस्सा है वो कैथोड है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हिस्सा है वो एनोड का हिस्सा होता है। अब इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। चूंकि एक ये पीएन जंक्शन है वो हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप से यहाँ तात्पर्य ये है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी एटॉम्स है उनकी मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जितने ज़्यादा इम्प्योरिटी एटॉम्स होंगे उतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन जो होगा आयन्स का इस डिप्लेशन लेयर के अंदर भी होगा। डिप्लेशन लेयर के अंदर जितना ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है इम्प्योरिटी का, उतनी ही जो डिप्लेशन लेयर है वो पतली होती है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के रेस्पेक्ट में। अगर यह इम्प्योरिटी या डोपिंग कम है तो जो पीएन जंक्शन है वो वाइड होता है, लेकिन अगर डोपिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो पीएन जंक्शन है वो थिन होता है। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन का है वो इम्प्योरिटी बहुत हाईली डोप्ड है, इस कारण से इसकी जो डिप्लेशन रीजन है वो पीएन जंक्शन डायोड के रेस्पेक्ट में पतली है। और जब इसके ऊपर रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया जाता है तो इस थिनर जो डिप्लेशन लेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा लगता है। अगर यह डिप्लेशन लेयर की विड्थ है ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम लगेगा, और या फिर अगर ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ है जितनी ज़्यादा पतली होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे इस डायग्राम से हम जानते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है इस पीएन जंक्शन के ऊपर रिवर्स बायस के अंदर। यहाँ के जो पॉजिटिव टाइप की लेयर को नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टाइप की लेयर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस पीएन जंक्शन जो ज़ेनर डायोड है इसकी डोपिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इस कारण से
इसकी जो डिप्लेशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जा रहा है। जब ये वोल्टेज इसके ऊपर आरोपित करते हैं तब यह वोल्टेज इस डिप्लेशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आरोपित करता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, क्योंकि यह डिप्लेशन रीजन पतला है इसलिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा इसके ऊपर आरोपित होगा, और जिस कारण से इन जो आयन्स है इनके साथ में जो अटैच जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है। इस कारण से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जितने ज़्यादा चार्ज के लिए बढ़ते हैं उतने ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज भी बढ़ेंगे, और करंट है वो इन चार्ज के लिए के थ्रू और ज़्यादा फ्लो करने लगता है। जब रिवर्स बायस वोल्टेज है वो बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो बढ़ता जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड से टूट कर अलग से चार्ज कैरियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कारण से जो डिप्लेशन रीजन है वो एक कंडक्टिंग पाथ की तरह बिहेव करता है। इस ब्रेकडाउन को ज़ीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और यह जो ब्रेकडाउन है जिस वोल्टेज के ऊपर होता है उसे ज़ीनर वोल्टेज कहते हैं। अगर यह वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज इस ज़ीनर डायोड के अक्रॉस में लगाया जाता है जो कि ज़ीनर वोल्टेज से ज़्यादा है, यदि रिवर्स बायस वोल्टेज ज़ीनर वोल्टेज से भी ज़्यादा लगाया जाए तो जो डायोड है वो एक कंडक्टिंग पाथ है की तरह कार्य करता है। यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से ज़ीनर डायोड की वर्किंग को जानते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक में जब यह ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम जो कार्य करवाते हैं, जब इसके ऊपर फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है तो यह एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह कार्य करता है। इसलिए इसका जो वी आई जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में कार्य करवाया जाता है तब जैसे जैसे इसके ऊपर वोल्टेज आरोपित किया जाता है प्रारंभ के अंदर इसके अंदर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि ब्रेक डाउन होने से पहले जो रीज़न है उस रीज़न के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा चार्ज कैरियर इसके अंदर डेवलप हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए, ये ब्रेक डाउन होने से पहले माइनॉरिटी चार्ज जो अवेलेबल होते हैं उनके कारण से जो करंट फ्लो करती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जब इस डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस वोल्टेज है वो बढ़ाया जाता है और एक ज़ीनर वोल्टेज की मात्रा से अधिक इसके ऊपर जब वोल्टेज लगाया जाता है ज़ीनर वोल्टेज या इसे नी वोल्टेज ज़ीनर नी वोल्टेज है, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन अकर होता है उसके पश्चात यह डायोड अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज शो करता है, इसे ज़ीनर वोल्टेज कहेंगे जिसे VZ से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, और यहाँ पे करंट है वो सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ज़ीनर डायोड की एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। इसके अंदर ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जा सकता है। यह ज़ीनर डायोड मीटर प्रोटेक्शन सर्किट में भी प्रयोग में लिया जाता है, वेव शेपिंग सर्किट के अंदर इसका प्रयोग में लिया जाता है, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। धन्यवाद।